नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की सुनी फरियादें। भूमि पारिवारिक विवाद समेत पुलिस में दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी न होने की आई अधिकतर शिकायतें। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। बिहार से आकर लूट की घटना को अंजाम देकर बिहार भाग जाने वाले सातिर गैंग के चार अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हुए घायल। कब्जे से जनपद कुशीनगर से 2014 में लूटी हुई सरकारी ग्लॉक 9mm पिस्टल, एक 315 बोर का कट्टा, कारतूस, दो मोटरसाइकिल, 55,000 रुपए नगद किया बरामद। गैंग से मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम को अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा दिया गया 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार। SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने दी जानकारी। सिकरीगंज इलाके में सड़क के किनारे मिला नवजात बच्चे का सर। धड़ की तलाश में जुटी पुलिस। SP साउथ ने कहा, शिनाख्ती का कराया जा रहा है प्रयास, जल्द होगा घटना का खुलासा। अलविदा की नमाज जनपद में शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से सकुशल हुआ संपन्न। पुलिस रही सतर्क। SSP भ्रमणशील रहकर लेते रहे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। नागरिक सुरक्षा के तत्वावधान में हुए प्रकाश प्रतिबंध ब्लैक आउट के व्यापक मॉकड्रिल में वायुसेना की विमानों ने गिराया काल्पनिक बम। टीमों ने पाया क्षति पर काबू। अलग अलग मेथड से रेस्क्यू कर बचाव का किया गया कार्य। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखपुर समेत 5 जिलों को मिलेगा नगर वन का उपहार। विस्तारित होगा इको टूरिज्म का दायरा। 13 जनपदों में 25 नगर वन, नगर वाटिका विकसित करने की बनी रणनीति। पर्यटकों को मिलेगा नेचुरल पिकनिक स्पॉट। आजमगढ़ का प्रभारी बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। कहा, देश और प्रदेश की योजनाओं को धरातल पर लाने का करूंगा प्रयास। और जमात उल विदा अलविदा जुमा है रमजान के पाक महीने में विशेष तौर से मनाया जाने वाला त्योहार। जामा मस्जिद में मुसलमानों ने अल्लाह की इबादत। कहा, सभी मुसलमान गरीबों और जरूरतमंदों की करते हैं मदद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने दौरे के दूसरे दिन जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को करीब 8:15 बजे हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन के लिए पहुंचे। हमेशा की तरह आज भी महिलाओं की संख्या अधिक रही। एक एक कर मुख्यमंत्री योगी सभी के पास पहुँचे और उनसे उनकी समस्याओं को जाना। मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए उन्हें तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। आज सर्वाधिक मामले भूमि पैमाइश, सीमांकन और पुलिस में दर्ज मुकदमों की विवेचनाओं में लापरवाही के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर रही, जबकि कुछ पारिवारिक विवाद के मसले भी मुख्यमंत्री के सामने आए। जनता दर्शन के दौरान शुक्रवार को कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से आर्थिक मदद की मांग की तो कुछ ने नौकरी लगवाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने उनका आवेदन लेकर मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कमिश्नर रवि कुमार NG, DM विजय किरण आनंद, DIG SSP डॉक्टर विपिन ताडा और SP सिटी कृष्ण विश्नोई मौजूद रहे। जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी मंदिर से लौटे तो यहाँ भी मिलने वालों की भीड़ रही। करीब 100 लोगों ने यहाँ भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इनमें से कुछ लोगों ने उन्हें अपनी परेशानी से संबंधित पत्र दिया तो कुछ लोगों ने विवाह में आने का निमंत्रण भी दिया। शुक्रवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर पूजन किया। इसके बाद अखंड ज्योति का दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत द्वय दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। उसके बाद गौशाला में पहुंचकर तकरीबन 20 मिनट तक गौशाला में सेवा की। इसके साथ ही उन्होंने कालू और गुल्लू पर भी दुलारा। कालू और गुल्लू भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर खुश दिखे। थोड़ा सा
गोरखपुर के कैंट छावनी रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार की भोर में बिहार के बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। चार बदमाशों को गोली लगने के बाद कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों की फायरिंग में तीन पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए चारों बदमाश बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। गैंग से मुठभेड़ करने वाले पुलिस टीम को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा 1,00,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस संबंध में डॉक्टर विपिन ताडा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय गोरखपुर के मोहद्दीपुर चौराहे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें दो बाइकों पर चार संदिग्ध युवक तेजी से आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने असलहे निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर कैंट इंस्पेक्टर ने तुरंत स्वाट एसओजी और आसपास के थानों को अलर्ट किया और बदमाशों के पीछे लग गए। कैंट छावनी स्टेशन के पास उन्होंने बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई तो पुलिस ने भी जवाब दिया। इस कार्रवाई में चारों बदमाशों को गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए चारों बदमाश बिहार के कटिहार जिले के कोठा थाना क्षेत्र के जोराबगंज के रहने वाले हैं। उनकी पहचान करण पुत्र ललवा वीरेंद्र पुत्र विनोद शिवा पुत्र प्रकाश हैरान पुत्र प्रकाश के रूप में हुई है। बदमाशों को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अभियुक्त पूर्व में देवरिया जिले से जेल जा चुके हैं व बिहार के कटिहार क्षेत्र से गोरखपुर व पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में आकर लूट व टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते हैं व तुरंत बिहार लौट जाते हैं। जनपद गोरखपुर की चार घटनाएं इनके द्वारा की गई है। ये बहुत ही बड़ा गैंग है। हाल ही में इसी गैंग ने कौड़ीराम और कैंपियरगंज में टप्पेबाजी और बड़हलगंज व खलीलाबाद में लाखों की लूट की थी और भी जानकारी की जा रही है। बदमाशों की फायरिंग में प्रभारी निरीक्षक कैंट के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। प्रभारी निरीक्षक कैंट के सरकारी वाहन के सामने शीशे पर भी गोली लगी। घटना में तीन आरक्षी भी घायल हो गए। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस को कई हथियार मिले हैं। इनमें से जनपद कुशीनगर से 2014 में लूटी हुई सरकारी ग्लॉक पिस्टल 9 mm, तीन खोखा, एक कारतूस 9 mm, एक कंट्री मेड पिस्टल 9 mm, तीन खोखा, एक कारतूस 9 mm, एक 315 बोर का कट्टा, एक खोखा और एक कारतूस 315 बोर अलग अलग घटनाओं में लूटे गए 55,000 रुपये नकद, घटना करते समय इस्तेमाल में लाए जाने वाले तीन मोबाइल, गाड़ी की डिग्गी तोड़ने वाले लोहे का नुकीला हथियार, दो मोटरसाइकिल, एक पल्सर और एक होंडा शाइन, दोनों मोटरसाइकिलों की जांच चल रही है शामिल है। इस गैंग से मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 1,00,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, स्क्रीन पे
थोड़ा सा बुलेट के पास, बुलेट होल के पास। हाँ ठीक, गाड़ी मॉडल दिखा दो। इधर से आओ, आओ भाई, दो नंबर के साथ मिल गई वापस। ठीक है, ये सामान रखे हैं, ले जाएं, फोटो करना है आपको, ले दें। आगे रखता है।
जी, इसमें रात्रि में पुलिस चेकिंग कर रही थी, जिस दौरान दो मोटरसाइकिल पर चार संदिग्ध युवा वहां से गुजरे, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस पर उनका पीछा किया गया। थाना कैंट क्षेत्र की ये घटना है। आगे जाकर पुलिस पार्टियों ने दोनों तरफ से इनको घेर लिया और घेरने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में चार बदमाशों को गोली लगी है और पुलिस पार्टी में भी एक इंस्पेक्टर हैं कैंट, उनको अपने बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है, उनके वाहन पर गोली लगी थी। जो सभी घायल और मजरूब हैं उनका इलाज चल रहा है, अभी अस्पताल में है। और इसमें ये गैंग जो है, इनसे पूछताछ में जानकारी हुई कि बिहार में कटिहार के हैं और वहाँ से ये घटना करने के लिए गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पर कि ये पिछले 3-4 साल से लगातार घटनाएं कारित कर रहे हैं। इसमें ये देवरिया से पूर्व में जेल भी गए थे, इन पे गैंगस्टर मुकदमा भी हुआ था। काफ़ी बड़ा गैंग है जिनके ये चार लोग मेंबर हैं। और इनसे बरामदगी में हमें एक ग्लॉक पिस्टल मिली है। जो ग्लॉक पिस्टल है वो सरकारी पिस्टल है। जानकारी में पता करने पर पता चला कि कुशीनगर में 2014 में एक थाना है जटहां बाज़ार, वहां से ये पिस्टल जो है कानून व्यवस्था संबंधित समस्या के दौरान इंस्पेक्टर से छीन लिया गया था और वहां इसमें लूट का और डकैती का मुकदमा दर्ज है। वही पिस्टल आज तकरीबन 8 साल बाद बरामद की है पुलिस ने। और इसके अलावा इनसे एक और पिस्टल मिली है देसी और एक तमंचा मिला है। 50,000 रुपये लूट के बरामद हुए हैं, जो कि इन्होंने बड़लगंज में घटना करके एक दिन पूर्व ही छीने थे एक व्यक्ति से। इसके अलावा दो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें कि एक पे नंबर नहीं है, एक पे गलत नंबर पड़ा है, उनकी जाँच अलग से करवाई जा रही है। इनके पास से हमें कुछ सिम कार्ड भी मिले हैं, जो सिम कार्ड हैं वो बंगाल और आसाम नंबर के हैं, उनकी जाँच करवाई जा रही है किस प्रकार से इन्होंने ये नंबर लिए और क्या इसका उपयोग ये कर रहे थे। फिलहाल इन सभी पक्षों की जांच की जा रही है। इनके अन्य साथी जो हैं उनके बारे में भी जानकारी कर उन्हें भी वांछित किया जाएगा, उन पर इनाम घोषित कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर जी, ये किस पर्पस से यहाँ आते थे, किस प्रयोजन से आते थे, इस सभी चीज़ों को हम सभी पहलुओं को देख रहे हैं। और इसमें ये लूट भी करते थे, टप्पेबाजी भी करते थे, इसके अलावा और क्या कार्य ये करते थे इसकी भी जानकारी की जा रही है। हो सकता है ये सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हों, तो इसको हर तरफ से देखा जा रहा है और जो भी तथ्य इसमें आगे आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, शासन स्तर से इस टीम को 1,00,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो कि प्रशंसनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। और ये काफ़ी दुर्दांत गैंग था जो काफ़ी लंबे समय से ये घटनाएँ कर रहे थे। इनकी विशेषज्ञता है इस प्रकार के अपराध में, ये डिक्की तोड़ के अपराध करते हैं। यदि कोई बैंक से निकलता है तो उसका पैसा छीन लेते हैं। ये बैंक के अंदर दो लोग रहते हैं, 2-3 लोग इनके गैंग के बैंक के बाहर रहते हैं। और अंदर वाले जब बाहर वालों को सूचना देते हैं कि किस थैले में पैसा है या किस व्यक्ति के पास पैसा है, ये उसके पीछे लग जाते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। इनके पास में ऐसा पाउडर भी बरामद हुआ है जो इनका कहना है कि उसे इस्तेमाल ये खुजली करने में करते थे। कई बार जब बैंक में या बाहर किसी व्यक्ति का ध्यान भटकाना होता था तो उस पर ये अपने शिकार पे ये पाउडर डाल देते, जिससे उसमें खुजली होने लगती थी और वो अपना बैग या तो साइड में रख देता या डिक्की में रख देता और ये मौका देखते ही उसे लेकर फरार हो जाते थे। जी हाँ, ये कई बार आकर रेकी करते थे और ये लगातार हर 10 दिन में सप्ताह भर में आते थे, 2-3 दिन रुकते थे, रेकी करके घटनाओं का अंजाम देते थे और फिर पुनः लौट जाते थे, फिर आते थे। और ये पुलिस ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है जिसमें ये गैंग पकड़ा गया है और इस कार्यवाही से आगामी दिनों में इस प्रकार के जो अपराध हैं उस पर अंकुश लगेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। जी, इसमें गोरखपुर में इनके अभी साथी कोई संज्ञान में नहीं आए हैं। इनका रुकने का मुख्य जगह की तलाश की जा रही है, किस जगह ये रुकते थे। फिलहाल ये जानकारी में आया है ये कुशीनगर में कहीं पर अपना बेस बनाए थे, जहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। और इनके अन्य साथी कौन है इसकी पूरी जांच करके आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। जी, इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, पुलिस की वाहन पर गोली भी चली है, वो लगी है और जो इंस्पेक्टर कैंट हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गए। तो इसमें पुलिस टीम ने काफ़ी बहादुरी और सूझबूझ का परिचय दिया और ऐसे खूंखार और दुर्दांत अपराधियों को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि एक 8 साल पुरानी ऑटोमेटिक इम्पोर्टेड पिस्टल है जो कि सरकारी विभाग की है वो बरामद की है।
ये कार्य प्रशंसनीय है, जिसके लिए इनको 1,00,000 रुपए शासन की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया है। सिकरीगंज थाना क्षेत्र इलाके के सिकरीगंज खजनी रोड के किनारे जद्दूपट्टी गांव के पास अंडा फार्म के समीप नवजात बच्चे का सर कटा हुआ शव मिला है। कुछ ग्रामीण उसी रास्ते से जा रहे थे, उन्हीं की सूचना पर सिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे का कटा सिर मिलने के बाद आनन फानन में पहुंची पुलिस ने कटे हुए सिर की शिनाख्त स्थानीय लोगों से कराई, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस धड़ की तलाश में जुट गई है। घटना की सूचना पर पहुंचे एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, सीओ खजनी अनिल कुमार सिंह, थाना इंचार्ज रमेश कुशवाहा सहित तमाम पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सिर कटे बच्चे की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। कटे सिर की पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सिर कटे बच्चे के धड़ की तलाश में जुटी हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, खजनी से सिकरीगंज रोड पर खजनी कस्बे से पहले दाहिनी तरफ एक पोल्ट्री फार्म, उसी के जस्ट सामने एक नवजात बच्चा है। देखने से ये लग रहा है 2-3 दिन का है। धड़ नहीं, सिर मिला। जो यहाँ ठुड्डी के नीचे से धड़ से अलग है और देखने से लगता है बहुत शार्प चीज से काटा गया है। कैसे कटा है, क्या कटा, वहाँ कोई उंड भी ऐसे नहीं लग रहा, जैसे लग रहा है उंड भी बंद हो चुकी है। और सड़क से इस तरह से किनारे है जैसे कि किसी चलती गाड़ी से किसी ने गाड़ी धीमा किया और धीरे से लुढ़का दिया, फेंकने की भी बात हुई। और ये 1:30-2 बजे के आसपास लोगों ने देखा है, जबकि उसी के सामने पोल्ट्री फार्म वाले के अंडे का काउंटर भी है, अगल बगल में 2-3 और दुकानें हैं, एक मैरिज लान है। इन लोगों ने कहा कि साहब सवेरे से तो कुछ ऐसा नहीं, आना जाना सबका है, कस्टमर आते जाते हैं। अचानक 1:30-2 बजे उन्होंने देखा तो बताया, मैं भी मौके पर गया था। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं और से ला करके बिल्कुल सड़क पर डाला गया है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं नवजात शिशु की हत्या की गई और यहाँ धड़ अलग सर अलग करके धड़ यहाँ डाला गया, या फिर मृत्यु के बाद कभी कभी बच्चों का प्रवाह कर दिया जाता है, जल प्रवाह या दफन कर दिया जाता है। लेकिन जानवरों द्वारा अगर ले जाया गया होता तो थोड़ा सा उसके सर और में भी एक जगह छोटी सी चोट जैसा लग रहा है, लेकिन स्किन वगैरह सब उसकी इंटैक्ट लगभग बची हुई है, तो सारी संभावनाएं उसमें हैं। फिलहाल मुकदमा उसमें दर्ज कर लिया गया है बनाम अज्ञात, पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा जा रहा है और इस बारे में पूरा पता किया जाएगा कोई बच्चा कहीं गुम है या कहीं तरह की बात है। अब मैंने बताया ना कि चूँकि केवल हमारे पास सर है जी, तो सर से और वो भी मैं जो आपसे बता रहा हूँ तो डॉक्टर लोग बताएंगे, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल नवजात जैसा है, 1-2 दिन 3 दिन का हो सकता है, इससे ज़्यादा लग भी नहीं रहा है। सर पे अद्धे कुछ बाल घने हैं, कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनके घने बाल होते हैं, लेकिन उसकी स्किन और ओठ और आंखें बता रही हैं कि बच्चा बिल्कुल अभी नवजात ही था। ऐसा क्यों है, कहाँ से है, ये सारी चीज़ें अब आगे हमारे लिए बड़ा चुनौती का विषय है, उसको पता लगाएगा। अलविदा की नमाज जनपद में शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न हुआ। जनपद गोरखपुर में अलविदा की नमाज में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोरखपुर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अलविदा की नमाज के दृष्टिगत मस्जिदों का निरीक्षण करते हुए वहाँ धर्म गुरुओं, मस्जिदों के इमाम व मौलाना से मुलाकात कर वार्ता की, साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के तहत अधिकतम ध्वनि तीव्रता के दृष्टिगत लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता को कम कराने हेतु तथा शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की गई। नागरिक सुरक्षा के तत्वावधान में प्रकाश प्रतिबंध ब्लैकआउट का व्यापक मॉक ड्रिल काल्पनिक प्रदर्शन तारामंडल क्षेत्र में जिलाधिकारी नियंत्रक विजय किरण आनंद एवं उप नियंत्रक सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में किया गया। एनएक्सी भवन को नियंत्रण कक्ष बनाया गया था, जबकि चंपा देवी पार्क को डैमेज एरिया घोषित किया गया। ठीक 7:30 बजे 12 सेवाओं के ऑफिसर कमांडिंग एनएक्सी भवन के नियंत्रण कक्ष में एकत्र हुए और स्थितियों का जायजा ले रहे थे। शाम 7:30
7 बजे नियंत्रण कक्ष में सूचना प्राप्त हुई कि दुश्मन देश का लड़ाकू विमान हमारी सीमा में प्रवेश कर गया है और शीघ्र ही बम गिराने वाला है। नियंत्रण कक्ष से प्राप्त सूचना के क्रम में क्षेत्र का विद्युत सप्लाई बाधित कर दिया गया और पथ प्रकाश भी बुझा दिया गया। जनमानस को भी सायरन बजाकर खतरे का संकेत दिया गया ताकि लोग अपने अपने घरों की बत्तियां बुझाकर सुरक्षित एवं खुले स्थान पर शरण ले। प्रकाश प्रतिबंधित क्षेत्र में दुश्मन का जहाज क्षति पहुंचाने या बम गिराने में कामयाब ना होने पाने के कारण भ्रमित होकर अन्य जगह दिशा में चला गया। प्रकाश प्रतिबंध क्षेत्र में दुश्मन कामयाब ना होने से नियंत्रण कक्ष से सूचना प्रसारित की गई कि दुश्मन खतरा टल गया है। तत्पश्चात दुश्मन अपने मिशन को कामयाब करने में सफल हुआ और चंपा देवी पार्क में तीव्र प्रकाश देकर अपने मिशन में कामयाब हुआ और वहीं बमबारी कर दिया। जैसे ही घटना नियंत्रण अधिकारी एवं रेकी अधिकारी द्वारा रेकिंग करते समय दुश्मन द्वारा किए गए हमले की सूचना नियंत्रण कक्ष को दी गई कि चंपा देवी पार्क में दुश्मन द्वारा हमला किया गया है। स्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष में तैनात कंट्रोलर द्वारा सभी सेवाओं को आदेशित किया गया कि घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल निरीक्षण कर अपनी अपनी टीम के साथ दुश्मन के द्वारा किए गए हमले के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल कार्य करें। वार्डन सेवा के ऑफिसर कमांडिंग चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने वार्डन सेवा को तत्काल सक्रिय किया तथा फर्स्ट एड रेस्क्यू फायर टीम बचाव कार्यों में जुट गई। नियंत्रण कक्ष से सभी सेवाओं के ऑफिसर कमांडिंग अपनी अपनी टीम के साथ रवाना हुए और मौके पर जाकर संबंधित सेवाओं में अपना अपना कार्य प्रारंभ किया। डैमेज एरिया में नागरिक सुरक्षा के रेस्क्यू टीम एवं ऑफिसर कमांडिंग रेस्क्यू द्वारा जनमानस में बचाव कार्य से तत्काल प्रारंभ किया तथा घायल व्यक्तियों को अलग अलग मेथड से रेस्क्यू कर बचाव कार्य किया। कुछ घायल व्यक्तियों के लिए नागरिक सुरक्षा फर्स्ट एड एवं हताहत सेवा के ऑफिसर कमांडिंग की टीम के द्वारा घायल व्यक्तियों को फर्स्ट एड देते हुए उन्हें एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल काल्पनिक प्रदर्शन की अपर जिलाधिकारी नगर विनीत कुमार सिंह द्वारा समीक्षा की गई तथा सभी सेवाओं के द्वारा किए गए कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। प्रदर्शन में सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश, सहायक उप नियंत्रक बनवारी लाल, तीनों प्रखंडों के डिविजनल वार्डनों के नेतृत्व में स्टाफ टू चीफ वार्डन, वार्डन सेवा, फायर एवं वरिष्ठ मुख्य अवैतनिक ऑफिसरों, सभी रेकी ऑफिसर, घटना नियंत्रण अधिकारी, पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन एवं स्वयं सेवक एवं रेस्क्यू टीम, फायर टीम एवं फर्स्ट एडर टीम ने तन्मयता से सहयोग किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी और अपर जिलाधिकारी नगर विनीत कुमार सिंह ने कहा, ये घायल है, घायल हुए हैं। इसकी तो सब कुछ एक्टिव हो गई भाई। इधर देखिए, रुकिए, चलो रुकिए, अरे चलो जल्दी एक साइड से, इस साइड से चल जाओ, चलो जो थोड़ा पानी ले, पानी पंप वापस लाइट आने दो, अपने जगह पर वापस आ जाए। अच्छा नहीं भाई, तुम वो हो ठीक है, अभी लाइट आए करना, चलो यार कहाँ आ गया, अरे आएंगे इधर वापस आइए, बस तुम लोगों को मालूम है ना क्या पानी, ये नहीं मालूम है, ये भी गिरेगा, इसका कोई नहीं ले रहा है।
स्नेहा फोटो खिंचाओ सही से। हाँ सर। ये ऐसा तो 20,000 pounds तक का होता है, लेकिन अभी छोटा नमूना है केवल। ठीक है, इसमें TNT ट्राई नाइट्रो टाइलविन इसमें होता है, विस्फोटक भरा जाता है। ठीक, और यही गिरेगा तो पूरा फैला देगा पूरा। सचिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतना बड़े होते हैं कि यहाँ पूरा भूकंप जैसा आ जाएगा। सर के तरफ से।
ये मॉक ड्रिल एयर रेड डेमोंस्ट्रेशन का है, जिसमें कि हम लोग पब्लिक को ब्लैकआउट की इम्पोर्टेंस बताने के लिए इस बार हम लोगों ने ये मॉक ड्रिल किया है। ये फाइटर प्लेन आ रहा है इस समय और अब यहाँ पे ये बम्बार्डमेंट करके ये एरिया में चला जाएगा। तो हम लोग अपने वार्डन्स को और पब्लिक को ही ट्रेन करना चाहते हैं कि अगर जब कभी ऐसी स्थिति हो, जब दुश्मन का जहाज आ करके आक्रमण करके चला जाए, तो उसके बाद अब ये सीन क्रिएट किया गया है। इसके बाद हमारे वार्डन्स जो घायल होंगे उनको एम्बुलेंस से अस्पतालों में भेजेंगे, जिनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर होगी, जिनकी कम स्थिति गंभीर होगी उनको यहीं पर ही ड्रेसिंग करके यहीं उपचार करके उनके घरों पर भेज दिया जाएगा। और सभी पब्लिक को भी आज ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कभी दुश्मन हम पर आक्रमण करता है तो किस प्रकार से ब्लैकआउट का पालन करना है और उस समय अपनी रक्षा कर लिए, कैसे आपको बम्बार्डमेंट के दौरान ज़मीन पर लेटना है, क्या कैसे आपको नियम कानून फॉलो करने हैं, इसके बारे में भी आज हम लोग पब्लिक को यहाँ पर पूरा अवेयर कर रहे हैं। मॉकड्रिल में हमारे सिविल डिफेंस की 12 सेवाएं हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य सेवा से लेकर के पुलिस सेवा, होमगार्ड सेवा और दूरसंचार सेवा, बिजली वालों के हमारे साथ साथ बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ने संपूर्ण क्षेत्र को ब्लैकआउट करने में हमारी बड़ी मदद की है। तो इस प्रकार से सभी 12 सेवाएं हमारी हमारे साथ मिलकर के और हम सिविल डिफेंस वाले अपने सभी सिविल डिफेंस साथियों के साथ, सभी वार्डन्स के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। ये नागरिक सुरक्षा के कोर के द्वारा एक ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल आज किया गया है गोरखपुर में, जिस प्रकार से कहीं कोई हवाई हमला हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, तो उससे निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए ये आज ड्रिल किया गया, जिसमें नागरिक सुरक्षा कोर के सभी चीफ वार्डन और उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा और फायर सर्विस, पुलिस सर्विस, इसके अतिरिक्त CMO साहब के यहाँ से एम्बुलेंस डॉक्टर्स, इन सभी के द्वारा प्रतिभाग किया गया और हम लोग एक जो तैयारी के दृष्टिगत इसको किए हैं। आज क्या संदेश देना चाहेंगे जनता में? जनता में यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर हम किसी इस तरह की घटना से, कोई आतंकवादी घटना हो, कोई विदेशी हमला हो, तो उसमें हमें अपनी सरकार की तो तैयारी होती ही है, साथ ही साथ हमें अपने बचाव के लिए भी कुछ तैयारियां करनी होती हैं। जैसे हम लोग बाढ़ आता है तो बाढ़ के लिए भी कुछ तैयारियों के लिए निर्देश देते हैं लोगों को, या किसी अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे एक तैयारी की पूर्व की ड्रिल हमारी होती है, तो उसी तरीके से किया जाए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। CM योगी ने जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की सुनी फरियादें। भूमि पारिवारिक विवाद समेत पुलिस में दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी न होने की आई अधिकतर शिकायतें। CM योगी ने अधिकारियों को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। बिहार से आकर लूट की घटना को अंजाम देकर बिहार भाग जाने वाले शातिर गैंग के 4 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हुए घायल। कब्जे से जनपद कुशीनगर से 2014 में लूटी हुई सरकारी क्लॉक, 9 mm पिस्टल, 1 .315 बोर का कट्टा, कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 55,000 रुपए नगद किया बरामद। गैंग से मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम को अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा दिया गया 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार। SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने दी जानकारी। सिकरीगंज इलाके में सड़क के किनारे मिला नवजात बच्चे का सर। धड़ की तलाश में जुटी पुलिस। SP साउथ ने कहा, शिनाख्ती का कराया जा रहा है प्रयास, जल्द होगा घटना का खुलासा। अलविदा की नमाज जनपद में शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से सकुशल हुआ संपन्न। पुलिस रही सतर्क, SSP भ्रमणशील रहकर लेते रहे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील।
नागरिक सुरक्षा के तत्वावधान में हुए प्रकाश प्रतिबंध ब्लैक आउट के व्यापक मॉकड्रिल में वायुसेना की विमानों ने गिराया काल्पनिक बम, टीमों ने पाया क्षति पर काबू, अलग अलग मेथड से रेस्क्यू कर बचाव का किया गया कार्य। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखपुर समेत 5 जिलों को मिलेगा नगर वन का उपहार, विस्तारित होगा इको टूरिज्म का दायरा, 13 जनपदों में 25 नगर वन, नगर वाटिका विकसित करने की बनी रणनीति, पर्यटकों को मिलेगा नेचुरल पिकनिक स्पॉट। आजमगढ़ का प्रभारी बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद, कहा देश और प्रदेश की योजनाओं को धरातल पर लाने का करूंगा प्रयास। और जमात उल विदा अलविदा जुमा है रमजान के पाक महीने में विशेष तौर से मनाए जाने वाला त्योहार, जामा मस्जिद में मुसलमानों ने अल्लाह की इबादत, कहा सभी मुसलमान गरीबों और जरूरतमंदों की करते हैं मदद। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप, जी हां सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त, फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश में इको टूरिज्म का दायरा और विस्तारित होगा, इसके लिए गोरखपुर समेत 5 जिलों को नगर वन सिटी फॉरेस्ट का उपहार मिलने जा रहा है। नगर वन के जरिए पर्यटकों को नेचुरल पिकनिक स्पॉट का आनंद मिलेगा। पूरी उम्मीद है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नगर वन की वर्चुअल लॉन्चिंग करें। गोरखपुर का नगर वन तिनकोनिया रेंज की रजही बीट में आरक्षित वन ग्राम रामगढ़ कंपार्ट नंबर 2 में 50 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। संभावना है कि इस नगर वन की लॉन्चिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उपस्थित रहें। वृक्षारोपण अभियान 2022 के तहत वन एवं पर्यावरण विभाग ने प्रदेश के 13 जनपदों में 25 नगर वन नगर वाटिकाओं के सृजन की रणनीति बनाई है। इसमें गोरखपुर में रजही के अलावा आगरा के ककरेठा, झांसी के भगवतपुरा, रायबरेली के भादोखार,
इकसाना और अमरोहा के सिहाली में नगर वन सृजित करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड की मंजूरी भी मिल गई है। नगर वन के लिए केंद्र सरकार नेशनल कैंपा के कार्पस फंड से स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी प्रत्येक परियोजना के लिए 2-2 करोड़ रुपए देगी। यह धनराशि 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगी। नगर वन के लिए गोरखपुर में स्थल बुढ़िया माता मंदिर व विनोद वन के निकट है। यहाँ वन विभाग का रेस्ट हाउस भी है। ऐसे में इसे शानदार इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। 50 हेक्टेयर में नगर वन विकसित करने पर 2-2 करोड़ खर्च होंगे। गोरखपुर में स्वीकृत नगर वन योजना के अतिरिक्त गोरखपुर देवरिया मार्ग पर सूबा बीच में एक और नगर वन योजना का प्रस्ताव भी बनाया गया है। गोरखपुर में चिन्हित दोनों ही स्थल साखू और सागौन के जंगल हैं। इसे इस तरह विकसित किया जाएगा जिससे लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें। वन क्षेत्रों को चारदीवारी एवं तारबंदी कराकर स्मृति वन, आरोग्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका और हरि शंकरी वाटिका बनाई जाएगी। जैव विविधता के लिए नगर वन में सभी प्रकार के सजावटी झाड़ियाँ, बेलदार, औषधीय पुष्प व फलों के पौधे लगाए जाएंगे। यह एडवेंचर स्पोर्ट्स, साइकिल ट्रैक, पाथवेज, ओपन जिम, जॉगर्स पार्क, बेंच समेत जन सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पादरी बाजार स्थित अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि मुझे आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया। जिस समुदाय के लिए संघर्ष कर रहा था उस समुदाय का मंत्रालय मंत्री बना और सेवा का अवसर मिला। 33 करोड़ की आबादी में 18 मंत्रियों को प्रभार दिया है। जो काम मुख्यमंत्री ने दिया है उस पर हम खरा उतरेंगे और जो योजनाएं दिल्ली और लखनऊ की है उसे धरातल पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री की जो सोच है उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, अरे वो मुट्ठा वाला मामला था, रुक जाएगा क्योंकि सब पड़िमला है ना। हाँ, एक पड़िमला लेकर दिन का फोन नहीं कर देना, लेकर आ जाए और मेरा समुदाय और इस देश की जनता को माननीय मंत्री जी को मैं बधाई दूंगा। एक तो जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था उस समुदाय का मंत्रालय में दिया था और सेवा का अवसर और 33 करोड़ की आबादी में हम 18 मंत्रियों को प्रभार दिया गया। निश्चित रूप से जो भार दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें हम खरा उतरेंगे और जो योजनाएं दिल्ली और लखनऊ की हैं उसे धरातल पर लाएंगे। हम लोग उसमें जो रुकावट होगा उसे हटाएंगे, जो उसमें कमी होगी उन्हें हम लोग निर्देश देंगे, उन्हें हम लोग आदेश करेंगे कि जो उदासीन हैं, निष्क्रिय लोग हैं उन्हें सक्रिय करेंगे और इस तरीके से विभाग को परिवार बनाकर उसे काम लेंगे कि जो उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है और माननीय मोदी जी की जो सोच है उस सोच को एक जन जन तक पहुंचाएंगे। और आज पहला दौरा है और मेरे दो सहयोगी मंत्री भी हैं, राठौर साहब भी हैं, तोमर साहब भी हैं, तो ये दो मंत्री हमारे सहयोगी हैं और वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। पहले जनप्रतिनिधियों से मिलना है, पूर्व जनप्रतिनिधियों से मिलना है, उनसे सुझाव लेने हैं, उनकी शिकायत लेनी है, जनता से मिलना है, फिर तमाम लोगों से जो सामाजिक सेवी संगठन है उनसे सहयोग लेना है, फिर अधिकारियों का प्रेजेंटेशन लेना है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के सभी विभाग हैं उस विभाग का जो 5 साल की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि में कितना आपने किया है और क्या अधूरा रह गया है और अभी जो कार्य योजना है 6 महीने 2 साल और 5 साल का उसमें कितना परसेंटेज आपने शुरुआत किया है और जनता का जो सरकार है इस बार की जो सरकार है वो जनता की सरकार है। जनता वोट मांग रही थी कि कमल के लिए कि खाना हमें देते हैं, घर हमें देते हैं, सुरक्षा हमें देते हैं, मेरे बेटे की इलाज मेरे घर आते, इसलिए जनता वोट मांग रही थी। और अगर विरोधी का कोई एजेंट बात भी करता था गाँव में जाके
तो उसका जवाब भी जनता दे देती थी कि तुम्हारे हाथ में सरकार थी 70 साल से, तुम लोगों ने क्या किया, तुम कहाँ खाना देते थे, खाना पूर्ति करते थे, खाना तो मोदी दे रहे हैं पूरा का पूरा, हैं तुम कहाँ थे, हैं दवाई तो मोदी जी करा रहे हैं ना, हैं घर तो वो दे रहे हैं बिना भेदभाव का। तुम्हारी सरकार थी तो भेदभाव की तस्वीर आती थी, आता था, हम लोग देखते रह जाते थे, गरीब अमीर का घर बन जाता था कम से कम। अब पात्र व्यक्तियों को बनना, तो इसलिए जनता ने अगर सुना है और जनता ने हमारा काम किया तो हम लोग जनता के दरवाजे पर रहेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति के दरवाजे पर रहेगी, चाहे वोट दिया हो और चाहे न दिया हो, वो हम उसको समझाएंगे और उसे इस विकास की धारा में लाने के लिए, उनके बच्चों के लिए जो भी योजनाएं बनी है उसे धरातल पर लाएंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। और जहाँ तक रहा हमारा विभाग, तो हमारे विभाग में एक ऐसा विभाग है कि इसमें रोजगार मिलेंगे, इसमें प्रोटीन खाद्यान्न मिलेंगे और तीसरा हम उत्तर प्रदेश को राजस्व भी देंगे, तो इतना है इसे उत्तम बनाना और इससे उत्तर प्रदेश को एक नंबर पर बनाना, उसके लिए हमने एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है। हमने उसे निश्चित रूप से जहां डॉक्टर संजय कदम पड़ता है और जिस नाव में निषाद बैठता है उस नाव को पार करता है और जो विरोधी होते हैं उन्हें डुबो के ख़त्म कर देता। आपने देखा होगा 2017 से लगातार उल्टी गिनती शुरू है प्रदेश में, अब आजमगढ़ मंडल में भी शुरू हो जाएगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सोच है, एनडीए की जो ताकत है उसे दिखेगी, हम निश्चित रूप से चुनाव भी जीतेंगे। ये जो विरोधी ताकतें उनकी हताशा है, जो हारे लोग हैं और एक ट्रेडिशनल वोट बैंक के सहारे जो राजनीति कर रहे थे उनको खाली धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, तो आज के दिन में अब उनकी दुकान बंद हो रही है क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ मोदी जी ने कह दिया कि नहीं, हर एक स्कूल में संविधान पढ़ाया जाएगा, राष्ट्रवाद पढ़ाया जाएगा, बच्चों को एकेडमिक ज्ञान दिया जाएगा, विज्ञान पढ़ाया जाएगा। तो आजकल वो धार्मिक उन्मादी जो लोग हैं उन्हें समस्या है कि हमारी दुकान कैसे चलेगी, तो वो लोग कुछ शरारती तत्वों को, उत्तर प्रदेश में अब माफिया गुंडे शरारती तत्व ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है, दो चार हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं पुलिस विभाग को सचेत करना चाहता हूँ कि घटना होने से पहले जो भी छोटे मोटे मुद्दे आते हैं से देखें। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, तो आते उन्होंने एक्शन लिया और सारे ढेर सारे अपराधी पकड़े गए हैं, जो आगे हैं फुटेज के हिसाब से किया जा रहा है और उन्होंने शासन से उस पीड़ित परिवार को प्रशासनिक मदद देने के लिए उन्होंने DM को निर्देश जारी कर दिया है और हमारे माननीय विधायक जी भी उसमें लगे हुए हैं और उन्होंने DM से कह दिया कि जल्दी फाइल पहुँचाओ और उसको प्रसारित, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे वो सारे के सारे जेल भी जाएंगे और उन्हें कड़ी से शिकायत दिलाएंगे। ये हमारे समाज का मुद्दा है, मेरे समाज पर कहीं भी कोई भी मुद्दा होता तो माना जाता है कि डॉक्टर संजय पर हमला हुआ है, डॉक्टर संजय का परिवार है जिसे दर्द हुआ है, वो आते ही हमें, जैसे मैं छत्तीसगढ़ था और 9 बजे रात कैसे सूचना मिली, मैंने तुरंत बात की SSP से और उन्होंने वादा किया मैं 1 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट देता हूँ और 1 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा गया, तो हम अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जहाँ कभी हमारे लोगों को दिन कई दिन इस पिछली सरकारें रहती थी तो कई दिन FIR लगाने में लग जाता था और 1 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ के चले जाए तो ये बहुत बड़ी बात है और उनको सजा भी मिलेगी और निश्चित रूप से आगे उसकी निंदा करता हूँ, ऐसा घटना न हो उसके लिए हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। इस्लाम धर्म के मुताबिक जुमे के दिन को अल्लाह के दरबार में रहम का दिन माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नमाज पढ़ने से अल्लाह इंसान की पूरे हफ्ते की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। इस्लाम में नमाज का बहुत महत्व है। इस्लाम धर्म में अल्लाह को समय पर याद करने और उनकी इबादत करने के समय को काफ़ी अहम माना गया है। इस धर्म को मानने वाले लोग हर दिन 5 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जो हर दिन नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते वो हर शुक्रवार को मस्जिद जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के मुताबिक जुमे के दिन को अल्लाह के दरबार में रहम का दिन माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नमाज पढ़ने से अल्लाह इंसान के पूरे हफ्ते की गलतियों को माफ़ कर देता है। इसी वजह से हर मुस्लिम शुक्रवार के दिन मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए 3 नियम गुसल, इत्र और शिवाक बनाए गए हैं। पहले नियम गुसल के अनुसार शुक्रवार के दिन स्नान करना आवश्यक माना गया है ताकि आपका शरीर पाक हो जाए। इसके बाद है इत्र लगाना। ऐसा माना जाता है कि हफ्ते के बाकी दिन आप इत्र लगाएं या ना लगाएं, लेकिन शुक्रवार के दिन इसे ज़रूर लगाएं। तीसरा नियम है सिवाक।
इसमें जुमे के दिन दांतों को साफ करना जरूरी माना गया है। इन तीनों नियमों का पालन करने के बाद ही जुमे की नमाज अल्लाह तक पहुंचती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि स्वयं अल्लाह ने ही शुक्रवार का दिन चुना था। हफ्ते के सभी दिनों की तुलना में उन्होंने ही शुक्रवार के दिन को सर्वश्रेष्ठ माना था। ठीक इसी तरह स्वयं अल्लाह ने ही पूरे वर्ष में से एक महीना ऐसा निकाला था जिसे रमजान का महीना नियुक्त किया गया। एक और इस्लामिक कथा के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के ही दिन अल्लाह द्वारा आदम को बनाया गया था और इसी दिन आदम की मृत्यु भी हुई थी, लेकिन आदम जन्म के बाद धरती पर आए थे, इसलिए दिन के एक घंटे को बेहद अहम माना जाता है। शुक्रवार को उसी एक घंटे में नमाज पढ़ी जाती है। हर जुमे को नमाज पढ़ना चाहिए। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज के अलावा जुमे की नमाज बहुत खास होती है, लेकिन रमजान के दौरान जमात उल विदा सबसे बड़ा और पाक दिन होता है। अलविदा जुमे के दिन हर शख्स अल्लाह की पनाह लेता है। इस दिन अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब होता है। जमात उल विदा के दिन मुस्लिम गम के साथ जुमे को अलविदा कहते हैं। इस दिन मस्जिदों में हजारों और बड़ी तादाद में लोग अल्लाह की बारगाह में होते हैं। इस दिन सब सच्चे दिल से नमाज अदा करते हैं और अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। जमात उल विदा मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। रमज़ान माह के आखिरी जुमे की मान्यता के हिसाब से अगर आप जमात उल विदा जुमे में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देते हैं और उसके रखे हुए रोज़े से बरकत और शिफा मिलती है। जमात उल विदा अलविदा जुमे विशेष तौर से मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस दिन हर बच्चा, जवान और बूढ़े मस्जिदों में नमाज के लिए आते हैं और अल्लाह के करम से मस्जिदों भर जाती हैं। गुनहगार उसके गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है। जमात उल विदा आखिरी जुमे के दिन अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है और उन्हें सही रास्ते की हिदायत देता है। इस दिन गरीबों को खाना देने वाले, मजबूर की मदद करने वालों की अल्लाह की बारगाह में दुआ ज़रूर कबूल होती है। 2 साल से रमज़ान समेत सभी त्योहारों पर कोरोना का कहर पसरा रहा, लेकिन अब कोरोना को उसके हद में आते ही लोग त्योहार पहले जैसा मना रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को अलविदा की नमाज घंटाघर स्थित जामा मस्जिद में 1:30 बजे नमाज पढ़ी गई। जामा मस्जिद के इमाम शाही मज़ाहिरी गाजीपुरी मुफ्ती अब्दुल्ला साहब ने बताया कि पूरे देश में आज आखिरी जुमा या अलविदा जुमा मनाया गया। इस्लाम धर्म में रमज़ान के महीने में हर साल आखिरी जुमा या अलविदा जुमा मनाया जाता है। रमज़ान का ये खास बेहद ही त्यौहार होता है। इस दिन नमाज और खुदा की इबादत का बहुत ही महत्व है। अलविदा जुमा रमज़ान के ख़त्म होने और नए महीने की शुरुआत होने का प्रतीक है। दुनिया भर के सभी मुसलमान इस दिन को बेहद ही खास मानते हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन सभी मुसलमान अल्लाह से प्रार्थना करते हैं और कुरान पाक की इबादत करते हैं और सभी मुसलमान गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जामा मस्जिद के इमाम शाही मज़ाहिरी गाजीपुरी मुफ्ती अब्दुल्ला साहब ने कहा, Thank you.
अलविदा का मतलब होता है कि आखिरी जुमा जो है रमज़ान का उसको अलविदा कहा जाता है, अलविदाई जुमा। अलविदा का वैसा मतलब होता है कि आखिरी, तो कोई भी चीज़ आखिरी हो उसको अलविदा कह सकते हैं। चूँकि रमज़ान के महीने का यह आखिरी जुमा होता है इसको, इसलिए इसको अलविदा कहते हैं। लेकिन शरीयत में इसकी कोई अलग से खसूसियत नहीं है,
जैसे और जुमा है वैसे ये भी जुमा है, जैसे तीन जुमा गुज़रता है वैसे आखिरी जुमा भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा से या और उलमाए किराम से इसमें कोई खुसूसियत के साथ अमल मनकूल नहीं है। और जैसे और जुमा मनाया जाता है और जुमे में नमाज़ होती है वैसे अलविदा की भी नमाज़ होती है, अलविदा की नमाज़ में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे और जुमा होता है वैसे ही अलविदा का जुमा होता है, जैसे और खुतबा होता है वैसे ही अलविदा का खुतबा भी होता है, अलविदा का खुतबे में भी कोई अलग सी चीज़ नहीं है। बाद लोग जो है अलविदा के खुतबे में बाद अल्फाज अपनी तरफ से बढ़ाते हैं कि अलविदा अलविदा वल फिराक या शहर रमज़ान इस तरह का, तो ये सब बढ़ाना अपनी तरफ से ये बिदात है और ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। और असल चीज़ यही है कि जैसे आम जुमा है वैसे ये भी जुमा है, इसकी कोई खुसूसियत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी आशरे में इबादत का बहुत अहतमाम करते थे, रातों को जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे। हमें भी इसी का अहतमाम करना चाहिए कि पूरे रमज़ान को इबादतों में गुजारना चाहिए, ख़ास तौर से आखिर आशरे को इबादतों में गुजारना चाहिए। और अलविदा के लिए कोई अलग से तैयारी, नया कपड़ा नया जोड़ा इसका अहतमाम करना, ये सब इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, ये सब गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, जो करने की चीज़ है वही करना चाहिए। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की सुनी फरियादें, भूमि पारिवारिक विवाद समेत पुलिस में दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी न होने की आई अधिकतर शिकायतें। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। बिहार से आकर लूट की घटना को अंजाम देकर बिहार भाग जाने वाले सातिर गैंग के चार अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हुए घायल। कब्जे से जनपद कुशीनगर से 2014 में लूटी हुई सरकारी ग्लॉक 9mm पिस्टल, एक 315 बोर का कट्टा, कारतूस, दो मोटरसाइकिल, 55,000 रुपए नगद किया बरामद। गैंग से मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम को अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा दिया गया 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार। SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने दी जानकारी। सिकरीगंज इलाके में सड़क के किनारे मिला नवजात बच्चे का सर, धड़ की तलाश में जुटी पुलिस। SP साउथ ने कहा शिनाख्ती का कराया जा रहा है प्रयास, जल्द होगा घटना का खुलासा। अलविदा की नमाज जनपद में शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से सकुशल हुआ संपन्न। पुलिस रही सतर्क, SSP भ्रमणशील रहकर लेते रहे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। नागरिक सुरक्षा के तत्वावधान में हुए प्रकाश प्रतिबंध ब्लैक आउट के व्यापक मॉकड्रिल में वायुसेना की विमानों ने गिराया काल्पनिक बम। टीमों ने पाया क्षति पर काबू, अलग अलग मेथड से रेस्क्यू कर बचाव का किया गया कार्य। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखपुर समेत 5 जिलों को मिलेगा नगर वन का उपहार। विस्तारित होगा इको टूरिज्म का दायरा। 13 जनपदों में 25 नगर वन, नगर वाटिका विकसित करने की बनी रणनीति। पर्यटकों को मिलेगा नेचुरल पिकनिक स्पॉट। आजमगढ़ का प्रभारी बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। कहा देश और प्रदेश की योजनाओं को धरातल पर लाने का करूंगा प्रयास। और जमात उल विदा अलविदा जुमा है रमजान के पाक महीने में विशेष तौर से मनाया जाने वाला त्योहार। जामा मस्जिद में मुसलमानों ने अल्लाह की इबादत। कहा सभी मुसलमान गरीबों और जरूरतमंदों की करते हैं मदद। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।